हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं AO स्टार एल्गोरिदम के बारे में। AO स्टार एल्गोरिदम एक्चुअली बेस्ड है एंड और ग्राफ के ऊपर, और ये काम करता है प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन के बेस पे। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन में हम करते क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स में या स्मॉलर पीसेस में, और फिर हम फाइंड आउट करते हैं क्या सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एंड और ग्राफ जो है एक स्पेशलाइज्ड ग्राफ है। आपने बहुत सारे ग्राफ देखे होंगे, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ एंड ऑल, बट स्पेशल ग्राफ है यहाँ पे एंड और इसकी स्पेशलिटी क्या है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास जो है वॉन्ट टू पास इन एग्जाम, मतलब ये हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ टू पास इन द एग्जाम। तो उसमें एक ऑप्शन है हमारे पास डू चीटिंग, और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास डू हार्ड वर्क एंड पास इट। लेकिन यहां पे अगर ध्यान से देखो, ये यहां पे एक हाइपर एज बनी हुई है। दिस इज अ सिंपल एज, सिंपल आर्क, लेकिन ये जो है ये क्या है, हाइपर एज है या हाइपर आर्क। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सोल्यूशन है हमारे पास क्या, डू चीटिंग, मतलब हम चीटिंग करें और एग्जाम में पास हो जाएं, अपना सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लें। सॉल्यूशन क्या है कि हमें एग्जाम में पास होना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो डू चीटिंग, वांट टू एग्जाम इन द पास, यस आई विल पास इन द एग्जाम। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, डू हार्ड वर्क एंड पास इट, मतलब ये क्या डिनोट करता है यहां पे, एंड। जब भी ये चलेगा ये दोनों कंडीशनें इकट्ठी चलेंगी, तो डू हार्ड वर्क एंड पास इट। तो ये हमारे पास सेकंड चॉइस है, दिस इज द फर्स्ट चॉइस, दिस इज द सेकंड चॉइस। तो ऑब्वियसली चॉइस को हम क्या बोलते हैं, और। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंड और ग्राफ, जिसमें या तो ये ऑप्शन चूज करो या ये ऑप्शन चूज करो, बट दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आपको हमेशा यही ऑप्शन चूज करनी है। ये ऑप्शन में आप सिर्फ चांस है कि आप पास हो जाओ, लेकिन कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते, लेकिन ऑब्वियसली चूज फॉर दिस ऑप्शन। लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एंड और ग्राफ होता क्या है और ये काम कैसे करता है। नेक्स्ट हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं AO स्टार और A स्टार के बीच में डिफरेंस। A स्टार और AO स्टार अगर हम बात करें तो दोनों ही बेस्ट फर्स्ट सर्च के ऊपर काम करते हैं। दोनों ही हमारे पास इनफॉर्म्ड सर्चिंग की टेक्निक है, जिसमें हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू गिवन होती है और ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। लेकिन A स्टार ऑलवेज गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब ये हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। सबसे पहले तो हम बताना चाहता हूं यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है। स्टार का मतलब होता है एडमिसिबल, मतलब A स्टार भी सॉल्यूशन देगा ये गारंटी है, और AO स्टार भी सॉल्यूशन देगा ये गारंटी है। लेकिन A स्टार जो है हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है अगर हम अंडर एस्टिमेशन पे काम करते हैं। और ये अंडर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन होता क्या है, कैसे वो सॉल्यूशन देता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज उसको चेक कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन AO स्टार हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा इसकी गारंटी नहीं, और यही सबसे मेजर डिफरेंस है A स्टार और AO स्टार के बीच में। ये डेप्थ में जाता है, लेकिन इसको एक बार सॉल्यूशन मिल गया, मतलब A स्टार डज नॉट एक्सप्लोर ऑल द सॉल्यूशन पाथ्स वंस इट गॉट अ सॉल्यूशन। ये अगर एक बार सॉल्यूशन मिल गया तो ये फर्दर सॉल्यूशन की तरफ एक्सप्लोर नहीं करेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन A स्टार डेफिनेटली करेगा और वो पूरी डेप्थ तक जाएगा, ट्रैवर्स करेगा और फाइनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक देगा। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। AO स्टार में हमने यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, जिसमें एंड और ग्राफ लिया हुआ है, और इस एंड और ग्राफ से हम देखते हैं कि हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, A हमारे पास रूट नोड है और हमारे पास यहां पे एंड और है, एंड मतलब B और C के बीच में एंड है, हाइपर एज है और D है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज है 6 12 10 ये क्या है, हेरिस्टिक वैल्यूज है, एस्टिमेशन वैल्यू है कि B एस्टिमेट कर रहा है कि मैं A को गोल स्टेट पे ले जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ 6। इस तरीके से हमारे पास एस्टिमेशन है। B के आगे फर्दर G H E F इस तरीके से हमारे पास नोड्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें A से हम B C या D, इन हमारे पास ऑप्शंस हैं यहां पे। तो अगर हम B और C की बात करें तो B और C का फंडा यहां पे क्या है कि B की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है यहां पे 6, और अगर हम इस एज की कॉस्ट की बात करें तो हरेक एज की कॉस्ट कितनी है 1 1 1 1 1, मतलब हरेक एज अगर हमने ए से बी पे जाना है, सी पे जाना है, डी पे जाना है, तो हरेक की कॉस्ट कितनी है यहां पे 1। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे अगर हम बी और सी की तरफ जाते हैं, तो बी और सी की तरफ यहां पे जाते हैं तो ये कितनी होगी टोटल कॉस्ट, 6 प्लस 12 कितनी होगी 18, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 18 प्लस 2, क्योंकि जब भी आप एंड में जाओगे तो ये 6 प्लस 12 18 प्लस 2, दैट इज व्हाट 18 प्लस 2 इज व्हाट 20, दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं डी की तरफ, या अगर हम डी की तरफ जाते हैं तो डी मतलब क्या है 10
कॉस्ट पे लेके जा रहा है, तो डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 10, 10 प्लस 1 कितनी होगी यहाँ पे 11, मतलब ये हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किया, ए से अगर हम बी सी की तरफ जाते हैं तो टोटल कितनी होगी 6 प्लस 12 दैट इज 18 प्लस 2 20, और अगर हम डी की तरफ जाते हैं तो 10 प्लस 1 दैट इज 11। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑब्वियसली हम इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, 11 को चूज करेंगे। 11 को अगर हमने चूज किया क्योंकि ये वैल्यू कम है, तो हम नेक्स्ट जाते हैं डी की तरफ, तो डी से हम आगे या तो ई की तरफ जा सकते हैं या फिर एफ की तरफ, क्योंकि इन दोनों में एंड नहीं है, नॉर्मल ई और एफ की तरफ जाते हैं। ई और एफ में अगर हम यहाँ पे एंड बना दें, मतलब इन दोनों में आपको जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ई और एफ की कॉस्ट कितनी होगी, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 और 1 2, ये देखो 4 प्लस 4 प्लस 1 1 दैट इज 2, बिकॉज इनके बीच में एंड है तो आपको दोनों तरफ जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कितनी कॉस्ट होगी यहां पे 10 जो है, रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी आई मेरे पास 10 ही आई, तो ऑब्वियसली ए पे हमारे पास क्या कॉस्ट आ गई टोटल, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या आई 11, तो ये यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, मतलब इसको सॉल्यूशन ट्री मिल गया, इट विल स्टॉप। लेकिन यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि इसने इस तरफ एक्सप्लोर ही नहीं किया, अगर हो सकता है ये इस तरफ एक्सप्लोर करता तो कॉस्ट जो है वो कम होने के चांसेस हो जाते, लेट से अगर वो सी के आगे एक्सप्लोर करता तो हो सकता है कॉस्ट मेरी कम हो जाए, ये पॉसिबल है, तो बट ये पॉसिबिलिटी इसने एक्सप्लोर ही नहीं की, तो इसकी वजह से यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेट से अगर हम बात करें यहां पे बी और सी, अगर मैं बी की तरफ जाता हूं तो बी की कॉस्ट कितनी है यहां पे 6, बी की कॉस्ट कितनी होगी यहां पे 6, बी से अगर मैं जी की तरफ जाता हूं तो बी से अगर मैं जी की तरफ गया और जी लेट से मुझे यहां पे लेके गया आई की तरफ और आई की वैल्यू है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 1, जस्ट फॉर सॉल्यूशन हमने यहां पे ले लिया आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 1, तो देखो यहां पे कॉस्ट कितनी आई, ए से हम बी की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट कितनी हुई 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट कितनी है 1 है, तो अगर हम G से I की तरफ देखें तो I की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 1, और G की ह्यूरिस्टिक वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे G से हमें I जाना है, तो I हमें कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है 1 पे लेके जा रहा है, तो यानी 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो G की जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहां पर, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 चेंज होगी। ऐसे अगर हम बात करें बी की, तो देखो बी 1 कॉस्ट पे हमें जी पे लेके जा रहा है और जी हमें आगे लेके जा रहा है 2 कॉस्ट पे, तो जी की यहां पे बी की भी कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, न्यू एस्टिमेशन वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 1 दैट इज 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, देखो यहां पे हमारे पास जो है लेट से सी, सी से अगर हम जाते हैं लेट से एफ की तरफ और एफ की भी वैल्यू है यहां पे 1, तो ऑब्वियसली अब यहां पे C की ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, C की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 दैट इज 2, और यहां पे अब देखो फाइनल इसकी कितनी आई, B की न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 और C की न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आई 2, तो टोटल क्या होगी 3 प्लस 2 5 प्लस 2 दैट इज 7, तो यानी इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई कम हो गई, लेकिन ये कॉस्ट ये तभी आएगा अगर ये इस तरफ एक्सप्लोर करेगा, लेकिन अगर इस तरफ एक्सप्लोर ही नहीं किया तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या रह जाएगी, ये वैल्यू वो कवर ही नहीं करेगा, तो यानी इसने यही पॉइंट यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि AO स्टार डज नॉट एक्सप्लोर ऑल द सॉल्यूशन पाथ्स वंस इट गॉट अ सॉल्यूशन, जैसे इसको इस तरफ से सॉल्यूशन मिल गया इस तरफ एक्सप्लोर ही नहीं किया, हो सकता है जी से आगे कोई आई या सी से आगे कोई एफ इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दे। सो दिस इज हाउ AO स्टार एल्गोरिदम वर्क्स, बस आपको न्यू एस्टिमेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक लेवल पे, और फिर उस न्यू एस्टिमेशन वैल्यू को हम लेके जाते हैं कहां पे, रूट नोड तक लेके आते हैं। यहां पे छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं कि यहां पे F जो है हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो F की जगह आप कोई भी एक नया नोड ले लो, लेट से उसका नाम J रख लो, बिकॉज F हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि दो बार F क्यों लिया, सो मैंने यहाँ पे नाम जो है वो चेंज करके अब J ले रहे हैं। एक और ग्राफ से हम समझते हैं AO स्टार एल्गोरिथम को, यहां पे हमारे पास A B C D, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर हम A से B पे जाते हैं, आपको लेवल बाय लेवल चलना है, तो सबसे पहले A से B की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट जो है हर एक एज की हमने बाय डिफॉल्ट मान रखी है कि 1 कॉस्ट है, तो 1 प्लस 4 कितनी होगी यहां पे 5, मतलब इनिशियली कितनी होगी 1 प्लस 4 दैट इज 5। देन अगर हम यहां पे बात करें C और D पे, तो न्यू एस्टिमेशन कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग तो 5 आई, लेकिन C और D के अकॉर्डिंग 2 एंड है, तो 2 प्लस 3 That is 5 plus 2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 2 plus 3
प्लस वन प्लस वन दैट इज टू, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई यहाँ पे सेवन। तो ऑब्वियसली हमने इन दोनों के बीच में किसकी तरफ जाना है, मिनिमम की तरफ जाना है, फाइव और सेवन में से मतलब फाइव, तो हम इस तरफ जाते हैं। तो बी देखो हमें कहां पे लेके जा रहा है, ई और एफ पे लेके जा रहा है, लेकिन ई की कॉस्ट कितनी है सिक्स है, इसकी कॉस्ट कितनी है एट है, तो यहां पे कितनी होगी सिक्स प्लस वन इट इज सेवन, मतलब पहले जो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी फोर, अब न्यू एस्टिमेशन वैल्यू कितनी आई सेवन और इसके अकॉर्डिंग कितनी आई नाइन, तो ऑब्वियसली कौन सी कम है सेवन, तो हम किसको कंसिडर करेंगे सेवन को। तो बी की न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आई सेवन, अब इस वैल्यू को भी हमने रूट लेवल पे लेके जाना जैसे हम यहां पे लेके गए थे ऊपर वैल्यूज को, तो ऐसे ही सेवन प्लस वन कितना होगा यहां पे एट, तो नई ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी आई ए की एट आई, लेकिन यहां पे वो देखेगा क्या है नेक्स्ट वैल्यू सेवन, तो यानी वो सेवन जो है वो कम वैल्यू है तो उसको एक्सप्लोर करेगा। तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो देखो ध्यान से यहां पे सी और डी, और सी हमें लेके जा रहा है यहां पे जी एच आई और डी लेके जा रहा है जे की तरफ, तो सी से अगर हम जी पे जाते हैं तो जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है टू, तो टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, मतलब सी की जो यहां पे न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू जी कितनी आई टू प्लस वन कितनी हो गई थ्री। और अगर हम जाते हैं एच और आई की रिस्ट्रिक्ट वैल्यू देखो क्या है जीरो जीरो, जीरो जीरो मतलब ये टर्मिनल नोड्स हैं, तो जीरो जीरो का मतलब है जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस वन दैट इज टू, तो यानी सी की रिस्ट्रिक्ट वैल्यू कितनी आई अब टू, इसके अकॉर्डिंग आई थ्री अगर हम जी की तरफ जाते हैं और एच और आई की तरफ जाते हैं तो ये क्या आई टू, और वैसे भी आई और जे क्या है टर्मिनल है, तो टर्मिनल का मतलब है ये दोनों क्या हो गए अब यहाँ पे सॉल्व हो गए, सॉल्व होने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन ट्री बन रहा है। और यहाँ पे देखो ध्यान से अब न्यू वैल्यू कितनी आई यहाँ पे टू आई है विच इज द मिनिमम, टू और थ्री में से कम कौन है टू। और अगर हम यहाँ पे बात करें डी की, तो डी हमें कहां पे लेके जा रहा है जे की तरफ लेके जा रहा है, और जे की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है जीरो, और जीरो क्या है अगेन यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब क्योंकि टर्मिनल की ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी जीरो, तो यानी डी की नई ह्यूरिस्टिक वैल्यू न्यू एस्टिमेशन वैल्यू कितनी आई वन प्लस जीरो क्या हो गई यहाँ पे वन, तो न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी कितनी आई वन, और साथ के साथ जो यहाँ पे जे क्या हो गया सॉल्व हो गया, और जे सॉल्व हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी भी मेरा क्या हो गया डी की वैल्यू भी यहाँ पे सॉल्व हो गई। और ये देखो दो और तीन में से मिनिमम कौन है दो, तो सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो नई वाली कितनी हुई दो और डी की कितनी हुई वन, और सी भी यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया, तो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मतलब ऑप्टिमल आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो दो प्लस वन, अब यहाँ पे एंड है इन दोनों के बीच में, तो हम अगेन न्यू नोड को मतलब न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ए पे लेके जा रहे हैं, तो टू प्लस वन कितनी हो गई थ्री प्लस टू, देखो टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर प्लस वन फाइव, तो यहां पे फाइनली ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए जो न्यू वैल्यू ऑफ ए कितनी आई यहां पे फाइव, तो न्यू एस्टिमेशन कितना हो गया फाइव, तो इसको हम बोल सकते हैं फाइनली ये हमारा वन ऑफ द सॉल्व ग्राफ बन गया, मतलब सॉल्यूशन ग्राफ है जिसको बोल सकते हो, सॉल्यूशन ट्री या सॉल्यूशन ग्राफ हमारे पास ये एक फाइनली बन गया। तो इस तरीके से जो है एओ स्टार काम करता है, आपको पहले एक लेवल पे फाइंड आउट करनी है न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू, फिर दूसरे लेवल पे फाइंड आउट करनी है न्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू या न्यू एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर उस वैल्यू को दोबारा से हम अपडेट करते हैं और रूट लेवल तक लेके जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू सॉल्व द एओ स्टार एल्गोरिदम। थैंक यू।